गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 ऑफ चैप्टर 11 मैनिशन सो हमारा एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपेजियम फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर क्या गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में हमें एक टेबल गिवन है टेबल का जो टॉप सरफेस है वो किस शेप में है एक ट्रिपेजियम के शेप में ठीक है so सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस टॉप सरफेस का टेबल की जिसमें हमें पैरल साइड्स गिवन है वन मीटर एंड वन पॉइंट टू मीटर और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने गिवन है पॉइंट एट मीटर सो वन पैरल साइड ऑफ द ट्रिपेजियम ए कितनी हो गई वन मीटर और सेकेंड कितनी गिवन है एंड अनादर साइड बी वन पॉइंट टू मीटर एंड पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ पॉइंट एट मीटर दैट मीन्स हाइट गिवन है हमे हमें पॉइंट एट मीटर नाउ वी हैव टू फाइन द एरिया ऑफ़ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल सो हमें एरिया फाइन करना है टॉप सरफेस का टेबल की और जो टॉप सरफेस है टेबल की वो किस शेप में है ट्रिपेजियम के शेप में सो एरिया ऑफ़ ट्रिपेजियम क्या होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरल साइड्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम सो हाफ इंटू सम क्या है हमारी पैरल साइड्स का तो ए कितनी है हमारे पास पैरल साइड वन मीटर और बी कितनी है वन पॉइंट टू मीटर इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डैम एच कितना है हमारे पास पॉइंट एट मीटर तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे सो वैल्यूज पुट करी हाफ इं टू ए हमारी है वन प्लस बी है वन पॉइंट टू मीटर हाइट कितनी है हमारे पास पॉइंट एट मीटर न इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास पॉइंट एट एट टेबल so कितना आ गया हमारे पास पॉइंट एट एट मीटर स्क्वा क्वेश्चन नंबर सेकेंड द एरिया ऑफ अम इज थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देंथ ऑफ ऑफ द पैरल साइट इज टेन सेंटीमीटर एंड हाइट इज फोर सेंटीमीटर सो फाइंड देंथ ऑफ अदर पैरल साइट सेकेंड में क्या गिवन है हमें एरिया गिवन है ट्रिपेजियम का जो कि कितना है थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है वन पैरेलल साइड की जो कि है टेन सेंटीमीटर और हाइट गिवन है दैट इज़ फोर सेंटीमीटर तो हमें क्या फाइंड करना है हमें लेंथ फाइंड करनी है पैरेलल साइड की सो so, हमने क्या करा लेट करा कि लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी बी हमने जो लेंथ है अदरल साइड की जो हमें फाइंड करनी है उसको लेट कर लिया हमने ये वो कोई बी है लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड हमें कितनी गिवन है टेन सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है फोर सेंटीमीटर नाउ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम भी हमें गिवन है दैट इज थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम सो हमें एरिया ऑफ रिपिजम कितना गिवन है थर्टी फोर इक्वल्स टू हाफ इंटू ए कितनी गिवन है एक पैरल साइड गिवन है दैट इज टेन प्लस अदर पैरल साइड हमको खुद को फाइंड करनी है जो कि हमने मानी थी डी इन टू हाइट कितनी गिवन है फोर नाउ हो यहाँ से हमको अदर पैरल साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम सॉल्व करेंगे थर्टी फोर इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ और हमारे पास आया हाफ इंटू टेन प्लस बी इंटू फोर तो टू से फोर गया कितने टाइम्स टू टाइम्स तो ऊपर क्या बचा टू इन टू टेन प्लस बी इसको सॉल्व करेंगे so, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बी की सेवन तो अनादर रिक्वायर्ड पैरल साइड हमारी कितनी आ गई सेवन सेंटीमीटर ना लेट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रिपेजियम शेप्ड ए बी सी डी इज वन ट्वेंटी मीटर इफ बी सी इक्वल्स टू फोर्टी एट मीटर सी डी इक्वल्स टू सेवेंटीन मीटर एंड ए डी इक्वल्स टू फोर्टी मीटर फाइन द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइट ए बीज पर पेंडिकुलर टू दैरल साइट ए डी एंड बी सी क्या केवे ने हमें लेंथ केवे ने ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड की ए बी सी डी की कितनी केवे ने वन ट्वेंटी मीटर और बी सी हमें गिवन है कितनी फोर्टी एट मीटर सी डी हमें गिवन है सेवनटीन मीटर एंड ए डी हमें गिवन है फोर्टी मीटर सो so, हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस फील्ड ठीक है जिसमें जो साइड ए बी है वो पपेंडिकुलर है टू द पैरल साइड किस पे ए डी पे एंड बी सी पे सो so, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास बी सी गिविन है दैट इज़ फोर्टी एट मीटर सी डी गिविन है कितने सेवनटीन है? मीटर एंड ए डी है कितनी फोर्टी मीटर और पैरामीटर कितना केवन है हमें वन ट्वेंटी मीटर टोटल लेंथ कितनी थी ट्रिपेजियम शेप फील्ड की वन ट्वेंटी मीटर तो पैरामीटर कितना केवन है वन ट्वेंटी मीटर सो नाउ देअर फॉर द पैरामीटर ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करेंगे ए बी सी डी का तो so, पैरामीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी सब ऐड कर देंगे तो so, पैरामीटर आ जाएगा ट्रिपेजियम का सो so, देखो पैरामीटर ट्रिपेजियम हमें गिवन है वन ट्वेंटी इक्वल्स टू जो ए बी साइड्स है वो हमें गिवन नहीं है ए बी गिवन नहीं है प्लस बी सी हमें कितने गिवन है फोर्टी एट सी डी हमें कितने गिवन है सेवेंटी और ए डी हमें कितने गिवन है फोर्टी सो ट्वेंटी इक्वल्स वन ट्वेंटी इक्वल्स टू ए बी प्लस फोर्टी एट प्लस सेवनटीन प्लस फोर्टी इन सब सब करेंगे और वन ट्वेंटी में से माइनस करेंगे तो हमारी ए बी साइड तो

इन टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डैम क्या है उसकी हाइट ए बी सो हाफ इन टू बी सी की थी हमें फोर्टी एट और ए डी कितनी की पिन है फोर्टी इन टू अभी हाइट हमने निकाली पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी निकाली जो कि कितनी आई हमारे पास फिफ्टीन मीटर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिक्स सिक्सटी सो एरिया ऑफ द फील्ड ए बी सी डी इज सिक्स सिक्सटी मीटर स्क्वायर फोर्थ द डायगनल ऑफ अ क्वारिलेटल शेप्ड फील्ड इज ट्वेंटी फोर मीटर एंड द पर्पेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वीटर एंड थर्टीन मीटर सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड क्या गिवेन है हमें डायगनल गिवेन है क्वारिलेट्रल शेप फील्ड की जो कि कितनी है ट्वेंटी फोर मीटर एंड द पर्पेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट और उसे एक पर्पेंडिकुलर गिर रही है फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वाटर्सेस जो कि हैं एट मीटर एंड थर्टीन मीटर सो हमें क्या फाइन करना है हमें एरिया फाइन करना है फील्ड का सो so, देखो एच वन हमारे पास ये जो पर्पेंडिकुलर गिर रही है ये क्या हो गई हमारी एच वन हो गई और यहाँ से जो पर्पेंडिकुलर गिर रही है वो हमारी एच टू हो गई सो एच वन हमें कितनी गेवन है थर्टीन मीटर एंड एच टू हमारी कितनी गेवन है एट मीटर ए सी ए सी जो हमें डाइगनल द डाइगनल ऑफ कॉर्डिलेटर शेप फील्ड ट्वेंटी फोर जो डाइगनल है हमारी वो कितनी हो गई ए सी ट्वेंटी फोर मीटर नाउ एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर फाइंड करते हैं सो एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर ए बी सी डी ए बी सी डी कॉर्डिलेटर का हमको एरिया फाइंड करना है तो so, कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल का एरिया प्लस ए डी सी ट्राइंगल के एरिया को जब हम ऐड करेंगे सो एरिया ऑफ

हाइट चेंज हो रही है फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है थर्टीन मीटर और सेकेंड वाले की कितनी है एट मीटर सो हाफ बेस एच वन प्लस हाफ बेस इंटू एच टू ठीक है सो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करा तो देखो बेस कॉमन आ गया अंदर क्या बचा एच वन प्लस एच टू इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की कितनी वैल्यू है ट्वेंटी फोर दोनों का बेस कितना है ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर इंटू एच वन की कितनी वैल्यू थी थर्टीन और टू की कितनी वैल्यू है एट तो थर्टीन प्लस एट कितना ट्वेंटी तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू फिफ्टी टू सो हेन्स द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ गया हमारे पास टू फिफ्टी टू मीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रोम्बस आर सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर सो फाइंड इट्स एरिया हमें डायगनल गिवन है रॉम्बस की जो कि कितनी है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर सो हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है रोमबस का सो देखो डाइगनल वन कितने गिवन है हमें सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और डैगनल टू गिवन है हमें ट्वेल्व सेंटीमीटर सो वी नो दैट एरिया ऑफ रॉम्बस एरिया ऑफ रामबस कितना होता है हाफ उसके डायगनल का मल्टीप्लिकेशन दैट इज डी वन इंटू डी टू सो हाफ इं टू डायगनल वन कितनी है सेवन पॉइंट फाइव इंटू डायगनल टू कितनी है हमारे पास ट्वेल्व जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया फोर्टी फाइव सो देअरफॉल एरिया ऑफ रॉम्बस कितना हो गया हमारे पास फोर्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट किस में चल रही है हमारी सेंटीमीटर में सो एरिया ऑफ रॉम्बस किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा सो एरिया ऑफ रॉम्बस इज़ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द एरिया ऑफ अर रोमबस होज साइट इज फाइव सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ द डैगनल इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डैगनल क्या गए हैं क्वेश्चन सिक्स में हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइन करना है हमें जिसमें हमें साइट गेवे ने फाइव सेंटीमीटर एल्टीट्यूड गेवे हैं फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और उसकी वन डायगनल गिवन है एट सेंटीमीटर लॉन्ग सो हमें लेंथ फाइंड करनी है अदर डायगनल की तो so, कैसे करेंगे सिंस अ रोम्बस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरलोग्राम एक तरह का पैरलोग्राम है सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो गया है एरिया ऑफ पैरलोग्राम जो कि कितना होता so, है बेस इन टू एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट सो एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे बेस कितना गिवन है हमारा हमको एरिया ऑफ रोम्बस सो बेस गिवन है फाइव इंटू एल्टीट्यूड कितना गिवन था फोर पॉइंट एट तो फाइव को इंटू करेंगे फोर पॉइंट एट से तो कितना आ गया एरिया ऑफ रॉम्बस ट्वेंटी फोर सो एरिया ऑफ रॉम्बस इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रॉम्बस और एरिया ऑफ रॉम्बस कितना होता है हमारे पास हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू वे डी वन और डी टू क्या है उसकी डायग्नल्स है सो एरिया ऑफ रॉम्बस हम निकाल चुके हैं क्या निकाला हमने एरिया ऑफ रॉम्बस ट्वेंटी फोर एक डैल हमें गिवन है जो कि कितनी है एट सेंटीमीटर हमें लेंथ फाइंड करनी है दूसरे डायगनल्स की तो हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में सो so, देखो एरिया ऑफ रॉम्बस हमारे पास आया ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू हाफ इन टू डी वन हमें गिवन है दैट इज़ एट सेंटीमीटर ठीक है और डी टू हमें फाइंड करनी है सो so, यहाँ से हम ईजिली डी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो so, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे देखो ट्वेंटी इक्वल्स टू हाफ इंटू एट इंटू डी टू है यहाँ से हम डी टू की वैल्यू निकालेंगे टू से एट गया फोर टाइम्स तो कितना बचा फोर अभी ट्वेंटी फोर को डिवाइड करा फोर से तो, times 6 times. तो कितने टाइम्स गया सिक्स टाइम्स तो डी टू की वैल्यू कितनी आ गई पास सिक्स तो सिक्स सेंटीमीटर आ गई लेंथ आ गई अदर डाइगनल की तो डी टू कितने आ गया हमारे पास सिक्स तो हैंस द लेंथ ऑफ द अदर डाइगनल इज सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिक्स खत्म होता है आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे